हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम मैंगो स्क्रब बनाएंगे। ये स्क्रब आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करता है। साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटेन और यहाँ तक कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये आपकी स्किन टोन को इवन बनाता है। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग दिखाई देने लगती है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने इस स्क्रब को एक बार भी बनाकर यूज कर लिया तो आप बाजार से स्क्रब लाना भूल जाएंगे। तो आइए इस मैजिकल स्क्रब को बनाना शुरू करते हैं। मैंगो स्क्रब बनाने के लिए मैंने एक मैंगो को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें कट करे हुए मैंगो के पीसेस डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने मैंगो को अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हमें क्लीन बोल में ये 2 चम्मच मैंगो का पेस्ट लेंगे। मैंगो में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है, इसलिए ये हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है। प्लस इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, इसलिए ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सफल बनाता है। साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 2 चम्मच ओट्स पाउडर ऐड करेंगे। ओट्स हमारी स्किन पर एज एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट्स रिमूव कर हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ब्राइटन अप बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की ऐड कर देंगे। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं स्क्रब की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा स्क्रब बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस स्क्रब को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। स्क्रब लें और इसे अपने फेस पर इस तरह सर्कुलर मोशन में 1 मिनट अच्छे से रब करें। और इसे इस तरह 1 मिनट अच्छे से रब करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। और इसके एप्लीकेशन के आप तुरंत बाद ही देखेंगे कि आपको आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सफल दिखाई देने लगेगी। आपका स्किन टोन भी इवन दिखाई देने लगेगा और साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। इस स्क्रब के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें। इस स्क्रब के रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो आप भी इस स्क्रब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।